things that usually have the greatest impact in life. A smile, a hug, a thank you, and a compliment. Hello friends, kaise hain aap sab log? Main Shivani in my new channel Travel Secrets. तो आज हम लेके चलते हैं आपको ऑलवेज फेवरेट दिल्ली स्पॉट. गेस व्हाट? नो गेसेस येट. मैं आपको बताती हूँ बिकॉज मैं आपको लेके चलूंगी दिल्ली हाट. मौके का जायजा लेते हुए मैंने बाहर देखा कि मौसम इतना सुहाना हो रहा है और सावन अपने फुल ऑन जोश पर है. इतनी जोर से बारिश हो रही थी कि मजा ही आ रहा था. ये मैं निकल पड़ी आप सबके लिए, आप सबको लेकर दिल्ली हाट के रास्ते, क्योंकि मौसम इतना सुहाना था, मज़े भी लेने थे, एक्सप्लोर भी करना था और आप सबको घुमाना भी था. फ्रेंड्स, आप आईएनए मेट्रो स्टेशन से इजीली दिल्ली हाट पहुंच सकते हैं और उसके बाद उसको एंजॉय कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. अब ये देखिए, हम दिल्ली हाट पहुंच गए आफ्टर सो मच ऑफ पार्किंग कंजेशन. ये टिकट काउंटर की तरफ हम चले और हम अपने क्यू में लगे अपने टिकट्स के लिए. एंट्री फी 30 रुपीज पर पर्सन था और ये है हमारा टिकट. नाइट में दिल्ली हाट की ब्यूटी देखने लायक होती है बिकॉज ऑफ द बंटिंग्स एंड द ब्यूटिफुल लाइट्स. इसके टाइमिंग्स हैं 10:30 AM से 10 PM तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं. अब देखिए ये हैंडमेड पेंटिंग्स, सो लवली एंड अट्रैक्टिव. ये हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं. ये फर्स्ट स्टॉल में थी आफ्टर द एंट्री. और मेरे फीमेल व्यूअर्स के लिए यहाँ पे गजब का कलेक्शन मिलेगा विद द ज्वेलरीज, बैंगल, एक्सेसरीज, ऑल टाइप ऑफ. मेरे कान में कुछ बहुत अच्छा सा म्यूजिक पड़ रहा था तो मैंने सोचा आगे चलते हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स का आनंद उठाते हैं. तो मैं ये चली आगे. आफ्टर एंजॉयिंग द कल्चरल प्रोग्राम्स, मैंने सोचा अब आगे चलते हैं बाकी स्टॉल्स पर. फॉर योर नॉलेज, INA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट. वो कहते हैं ना, इफ यू डोंट गेट इट एनीवेयर एल्स, यू गेट इट इन दिस मार्केट. ये एक जॉइंट वेंचर है दिल्ली टूरिज्म एंड NDMC का और इसमें परमानेंट 62 स्टॉल्स हैं. अब मैं आगे चली राजस्थान स्टॉल की तरफ और फिर जूट स्टॉल की तरफ, जो मुझे बेहद अट्रैक्ट कर रहे थे. यहाँ के बैग्स, यहाँ की मैट्स, कोस्टर्स एंड टोट बैग्स, लैंटर्न्स बहुत ही अट्रैक्टिव थे. अब मैं गुजरात स्टॉल पहुंची जहाँ पर मैंने खूब दिल भर के शॉपिंग किया. आफ्टर अ हेल्दी बार्गेनिंग, इट वॉज अ ग्रेट डील. फ्रेंड्स, एक स्टॉल पर मैंने ऐसा म्यूजिकल बोल डिस्कवर किया जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है बुद्धा बोल से, बट इसकी साउंड बहुत ही मेलोडियस थी. मैंने इंसर्ट से उसकी डिटेल्स ली और एंड प्राइस भी. इन दिस स्टॉल दिस लेडी वॉज विद अ वेलकमिंग स्माइल. तो मैंने यहाँ से एक मोबाइल पाउच लिया जो कि हैंडीक्राफ्ट था एंड जूट से बना हुआ था. इट वॉज अ गुड बार्गेन अगेन. फिर मैं मेहंदी की तरफ चली जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि सावन का महीना चल रहा था, तो मेहंदी लगवानी भी बहुत ज़रूरी थी दिल्ली हाट में. आप मेहंदी नहीं लगवाएंगे तो पूरा ट्रिप नहीं होगा. इसलिए मैं मेहंदी के लिए बैठ गई और बहुत प्रिटी डिज़ाइन मैंने चूज़ किया. ये देखिए मेरी मेहंदी है ना ब्यूटिफुल. गाइज, ये देखिए सन ड्राइड फ्रूट्स एंड बेरीज थी इस स्टॉल पर, जो कि बहुत हेल्दी पिकल्स, चटनीज, चिप्स एंड बहुत वैरायटी थी इनके पास. हेल्थ वॉचर्स के लिए भी था. तो मैंने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी और ये ग्रेनोला है जो कि हनी में डिप था. अब हम आए हैं आगे बाथ एंड बॉडी स्टॉल पर. फिर ये पॉटरी की स्टॉल थी जो कि कितनी कलरफुल है आप देख सकते हैं. तो गाइज, अब इतना स्ट्रॉलिंग के और एक्सप्लोरिंग के बाद हमें लगी भूख और हम पहुंचे फूड स्टॉल्स की तरफ, जो असम, उत्तराखंड, JNK सारे स्टेट्स की स्टॉल्स यहाँ पर हैं दिल्ली हाट में आपको मिलेंगी विद वैरायटी ऑफ फूड एंड देयर डेलिकेसीज.
ये देखिए जेएनके की स्टॉल कितनी गजब लग रही है, वाजवान के नाम से थी। आप यहाँ का मेन्यू चेक कर सकते हैं। सी गाइस, ये हमारी चटपटी भेलपूरी फॉलोड बाय डिनर। हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस वाज द एंड टू माय ट्रिप टू दिल्ली हार्ट। आई होप यू लव्ड इट। मैंने बहुत कुछ आपको दिखाया, बहुत सारी शॉपिंग भी की है और घर जाके उसको अनवाइंड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, शो सम लव, बाय बाय। स्पाइसी वाले हैं, सो दिस वॉज द हॉटेस्ट चटनी, द रेड चिली एंड लहसुन चटनी। इफ यू ऑल लव गार्लिक, सो यू विल डेफिनेटली गोना टू लव दिस चटनी। इट इज सो यम्मी एंड सो हॉट दैट यू विल गोना टू लव इट। एंड ये था एक पिकल, राजस्थानी फेमस पिकल, सांगरी का अचार। ये भी बहुत स्पाइसी था, हम लोग सब टेस्ट करके लेके आए। जो भी हमारे टेस्ट बड्स को स्पाइसी लगा, हम लोगों ने वो चूज किया। माय पर्सनल फेवरेट हियर वाज दिस ग्रेनोला एंड ऑल द नट्स एंड फ्रूट मिक्स। इट इज मिक्स विद द ओट्स, द ग्रेनोला, द ज्वार आल्सो इज देयर, मिक्स सीड्स आर देयर एंड ऑल द ड्राई फ्रूट्स कोटेड इन हनी। सो ये मेरा पर्सनल फेवरेट रहा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एंड ये एक वहाँ पे स्टॉल थी मिस्टर राजा के नाम से, इट वॉज कमेंडेबल। इसका प्राइस थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा मुझे, लेकिन स्टिल इट इज़ वर्थ इट बिकॉज आई लव टू हैव ऑल दिस इन माई फिटनेस जर्नी एंड माई ब्रेकफास्ट। सो दिस वॉज इट। जो सेकेंड हॉट फेवरेट था वो था करेले के चिप्स। It was also very spicy and very hot. We tasted it as well. They were Karela chips. So again, being conscious about our health, we got these chips also from there. They were worth it, around something 350 we gave for these. And this as you can see, ये फिर से red color के potato chips हैं जो कि every person, Indian person जिसके taste buds बहुत spicy की तरफ है, they will relish these chips. So we got these also from there. And one more thing which I loved was handicrafts. Like this was jute, made of jute. This is a mobile pouch I got for me or my daughter, whosoever will use it. So it was very attractive, small little pouch with two pockets, one for mobile and one you can use for your cards or your money, like that. Yes, this was the girlish stuff what I got. These are the hair pins, the jura pins. They were so attractive and dainty. Main ye bhi purchase karke layi hu, though. Look at them, they are so nice. And last but not the least, cotton from the Gujarat stalls. Ye brilliant cotton hai, comfortable and worth the price. So main ye do suit pieces leke aayi thi, personally use ke liye ya gifting purpose ke liye. So yeah, that is it. Our shopping from Delhi Heart. Thank you.